तो डॉक्टर डी सुरेश जी यहाँ डिवीज़न कमिश्नर रहे हैं, मैंने उनसे सलाह ली कि जी वो जानकार थे कि साहब मुझे बेटे को बाहर भेजना है। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर क्यों भेजते हो बेटे को, आप यहाँ सिविल की तैयारी कराइए। मैं कहा जी एक भी सब्जेक्ट तो उसके पास है नहीं, सिविल में कैसे आएगा वो कर पाएगा, कि बेटे को एक बार मेरे पास लेना है, लेके आना। तो मैं उनके पास लेके गया गुड़गांव, उन्होंने कहा कि कर जाएगा, आप इसको सिविल सर्विस की लाइन में डालो। तो आज वो समय आ गया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सोना में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम है महेंद्र कुमार जजोरिया, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भरतपुर राजस्थान से। आज हम इनके निवास पर आए हैं और इनके बेटे अवधेश कुमार जजोरिया जी ने भारत की सर्वोच्च परीक्षा पास करके एक मुकाम हासिल किया है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। नीरज जी, सबसे पहले तो आप मेरे निवास पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप बधाई की बात कर रहे हैं तो ये बधाई तो आप लोगों को भी मेरे बिल्कुल बराबर में ही है, क्योंकि समाज का बेटा है, आप लोगों का भाई है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अवधेश भाई ने यूपीएससी परीक्षा पास की है, तो उन्होंने स्कूली शिक्षा कहाँ से ली थी? उनकी 10वीं तक तो जिंदल पब्लिक स्कूल है सोना में जी, यहीं से की थी। और उसके बाद में जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल है पलवल में जी, प्लस टू उन्होंने वहाँ से की थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जिसको आईपीयू के नाम से जो विख्यात है, उसमें आर्किटेक्चर किया था 5 साल की डिग्री ली है उसमें। और एक्चुअल में मैं उसको विदेश में भेजना चाह रहा था, तो डॉक्टर डी सुरेश जी यहाँ डिवीज़न कमिश्नर रहे हैं, मैंने उनसे सलाह ली कि जी वो जानकार थे कि साहब मुझे बेटे को बाहर भेजना है। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर क्यों भेजते हो बेटे को, आप यहाँ सिविल की तैयारी कराइए। मैं कहा जी एक भी सब्जेक्ट तो उसके पास है नहीं, सिविल में कैसे आएगा वो कर पाएगा, कि बेटे को एक बार मेरे पास लेना है, लेके आना। तो मैं उनके पास लेके गया गुड़गांव, उन्होंने कहा कि कर जाएगा, आप इसको सिविल सर्विस की लाइन में डालो। तो आज वो समय आ गया। और रही बात अवधेश की ही नहीं, बल्कि तीनों बच्चे, मेरे एक बेटी है वो डॉक्टर है, दूसरा बेटा भी आर्किटेक्ट है, वो भी आईपी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तीनों बच्चे ही मेरे अच्छे ब्रिलियंट रहे हैं एजुकेशन में। और अवधेश ने तो आईपी यूनिवर्सिटी भी टॉप किया था, तो एजुकेशन स्कूलिंग तो जो रही वो ये रही। बता दें कि महेंद्र कुमार जजोरिया के जो दामाद हैं वो भी एसपी हैं और पूरा परिवार शिक्षित है। और सर समाज के जो युवा बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो शिक्षा की तरफ ज़्यादातर ध्यान दें, और अगर शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो वह मुकाम, मतलब कोई भी मुकाम हो, उसको हासिल करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हाँ, मेहनत तो कोई भी, अगर आप टारगेट लेके चलते हैं अचीव करने के लिए, ज़रूरी होती है, डेडिकेशन ज़रूरी होता है। मेरा यही बच्चों के लिए एक संदेश है कि वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार जजोरिया जी, जो कि सोना के रहने वाले हैं, जिनके पुत्र अवधेश कुमार जजोरिया जी ने अभी यूपीएससी की परीक्षा पास की है। आज हम इनके निवास पर आए और इनसे काफ़ी बातचीत की। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बीएसएनएसएन न्यूज़ पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।